इस लॉर्डशिप विल यू प्लीज पिटीशन आपने लगाई थी इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन पिटीशन यू लॉस्ट इन द इलेक्शन यू फाइल्ड इलेक्शन पिटीशन यस अप्लाइड फॉर counting. No, 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 we ask two prayer that the we should be declared as a sarpanch because there is a error in sending the prarup 17. अब वो कह रहे हैं कि हाँ साहब 17 में तो ये आप इनका भी रिप्लाई भी अगर स्टेट का देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने एडमिट किया कि हाँ 70 रूल 17 के हिसाब से उसमें एरर हो गई कि आपको गलत वोटिंग बता दिया और उसी के हिसाब से हम जीत रहे थे और मैं इस इलेक्शन तो 84 में कहीं भी ये नहीं है सर रूल 84 में जब देयर इज एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड देन दे शुड हैव डिक्लेयर्ड मी एज सरपंच रूल 84 सर मैंने रिप्रोड्यूस भी किया है आप देखें तो उसमें रिकाउंटिंग का नहीं है कहीं भी क्या आप रिकाउंटिंग के लिए बोल देंगे और रिकाउंटिंग करवा के उसको जिता देंगे यू नो इट इज टोटली डिसऑर्डर इज अगेंस्ट दी रूल्स 84 व्हेन दे एडमिटेड दैट देयर इज अ एरर मिस्टेक अब P3 का जो इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने ये उनको सबमिट किया उस हिसाब से कमल सिंह को इन्होंने 93 कर दिए जो कि राकेश के थे हाँ 93 कर दिए ठीक है और राकेश के 122 कर दिए ठीक है धीरज के उतने ही है जी धीरज के उतने ही है धीरज के उतने ही है तो ये 93 होने से हमारे वोट इन्होंने कहा कि कम होने से धीरज सिंह को अपॉइंट कर वो सिलेक्ट इलेक्ट कर दिया और इसको ये मानना है कि 29 वोट्स कम हो गए जी हाँ और कितने वोट से हारे थे आप नहीं मैं तो जीत रही जीती जीतेगा जीता सर मैं कितने जब ये चेंज हुआ तो कितने वोट से हारे आप सर वो तो हमको आज तक उन्होंने वो दिया ही नहीं लगा है ना इससे देख के बता दीजिए धीरज सिंह को भी उन्होंने वो नहीं दिया सर सर्टिफिकेट अभी तक आज तक कि आपको इलेक्ट कर दिया फाइनल टैली कहाँ है फाइनल टैली कहाँ है फाइनल यही थी सर ये फाइनल उसके बाद रिकाउंट फाइनल अरे रुकिए फाइनल टैली है पेज 34 पे इलेक्शन पी यहाँ सर यही तो उसी को तो मैं आपको बता रहा था फाइनल टैली फाइनल टैली है इसमें धीरज को मिले 629 आप है कमल सिंह हाँ तो हमको 615 कितने वोट से आप ये जीते हैं तो ये सर ये हो गया मतलब ये वही 93 का 14 वोट से हाँ 14 वोट से जीते हैं ये और डिफरेंस 29 का था मतलब वो 120 को इन्होंने 93 इधर कर दिया और 93 को नीचे कर दिया तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा तब भी ये जीते ही नहीं सर नहीं जीत रहे देखिए ना डिफरेंस नहीं नहीं सर आप देखें इनको 181 वोट मिले ये टोटल देखिए ना 34 में सर 629 इनको मिले और मुझे मिले हैं 122 अगर 482 पे जोड़ दे जाएंगे 29 वोट्स तो मेरे तो वोट इनके साथ ज्यादा हो जाएंगे ना सर अरे 120 93 कम नहीं करेंगे क्या उसमें करेगा तो आपका केवल प्रॉब्लम 52 उसमें था पोलिंग में बाकी 53-54 में ठीक है सर इन्होंने हर जगह कराए 180 हर जगह नहीं किया केवल एक ही पोलिंग पे प्रॉब्लम हुई थी बस वहां आपके 122 को 93 कर दिया जी जी 122 से 93 माइनस करिए 29 होता है 29 है ना जी 29 वोट का आपका डिफरेंस आ गया तो सर अभी अगर इसमें 615 मेरे को यहाँ मिल रहे हैं इनके हिसाब से 615 प्लस 29 तो जीतेंगे आप तो मैं जीता हूँ सर 644 हो जाएंगे जी और अब ये इनके रिप्लाई में भी मंजूर कर रहा है कि हाँ ये क्लेरिकल मिस्टेक थी और रूल 84 के बारे में दोनों साइलेंट गवर्नमेंट का रिप्लाई भी साइलेंट है और उसको भी साइलेंट तो क्लेरिकल मिस्टेक किस में थी ये आपको 180 आपको 122 मिले हैं कि 93 मिले ये तो चेक होना था तो रिकाउंटिंग से चेक हो गया ये तो फिर मुझे डिक्लेयर करना था सर रिकाउंटिंग अभी जब कराई जब एसडीएम ने इलेक्शन पिटीशन में तो उसे क्लेरिफाई हो गया यही तो कि आपके नहीं आपके 93 थे 122 नहीं थे नहीं नहीं ये नहीं हुआ था हाँ ये हुआ कि 122 करेक्ट थे मेरे तो मुझे डिक्लेयर करना था ना इसका रिजल्ट कहाँ रिकाउंटिंग का रिकाउंटिंग का तो किसी इन्होंने भी फाइल नहीं करा नहीं सर एक लेकिन मेरे सर इसमें ये भी चेक सर मेरा यही तो निवेदन है इस पिटीशन में कि रिकाउंटिंग का ऑर्डर हो ही नहीं सकता था और रिकाउंटिंग का जो ऑर्डर गलत हो गया कैसे चेक होता है कि आपको 122 मिले कि 93 मिले सर बिना काउंटिंग का तो चेक हो नहीं सकता था नहीं नहीं सर ये ऐसा नहीं है आप ये देखें इन्होंने जो फॉर्म जब सबमिट किया इस सेक्शन 17 का प्रारूप 17 का उसमें इन्होंने लिख के दिया
और लास्ट में भी इन्होंने लिख के दिया कि अनेक्सर ईएफपी थी, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, मेरे को नहीं मिले ये वोट्स, ये वोट्स का तो डिस्प्यूट ही नहीं है, इसलिए जो 84 में इनको करेक्ट करना था और अनेक्सर पी फोर में उनका ये कहना नहीं, 84 में तो करेक्ट किया उन्होंने डिक्लेरेशन के पहले। सर मेरा निवेदन ये था कि जब इन्होंने मंजूर किया कि हाँ सर ये गलत गलती हो गई है कि इनके वोट्स जो है, इस P2 देखिए ना, P2 देखिए सर, P2 में आपसे निवेदन, P2 देखिए तो पेज 30 पे जी ये करेक्शन हुआ है ना, इससे आपको ग्रीवेंस है। हाँ और ये कब हुआ है? 17 उसी समय। हाँ, तो ये 84 में ही हुआ है? नहीं नहीं सर, ये 84 में नहीं हुआ, ये तो इन्होंने क्लेरिकल मिस्टेक करेक्ट हुई नहीं हुई सर, वही मैं आपसे कह रहा था, ये क्लेरिकल मिस्टेक चलती रही। आप P2 देखें तो P2 में 93 बता रहे हैं मेरे को ही, और उसको राकेश को 120 बता रहे हैं, तो ये फिर उन्होंने एरो लगा के उसको चेंज कर दिया। सर मेरे को 122 ही मिले, ये तो रिकाउंटिंग से कंफर्म होगा ना, और तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, तरीका ये था कि जो फॉर्म था, जो फॉर्म इन्होंने दिया है उसी को उसको देखना था। रिकाउंटिंग ठीक हुई है, उसी से कंफर्म होता है। सर रिकाउंटिंग का तो 84 में कर ही नहीं सकते थे। अरे इलेक्शन पिटीशन में तो ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, इलेक्शन पिटीशन में 84 का ही करना था ना सर। नहीं, 84 की स्टेज चली गई, जब एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आप जो भी ऑर्डर होगा इलेक्शन पिटीशन में ही होगा। तो इलेक्शन पिटीशन में हुआ तो उसको अगर इन्होंने मान लिया, एडमिट कर मान लिया कि हमारी क्लेरिकल भूल हुई है, मिस्टेक हुई है, इनका ये कहना नहीं कि मेरे को इतने वोट नहीं मिले, वो तो कह रहे कि मिले तो सही है लेकिन लिखने में वो त्रुटि हो गई, तो जब लिखने में त्रुटि हो गई तो त्रुटि का उसको कैसे वो तो फिर 84 ही होगा, त्रुटि हो गई तो फिर त्रुटि का समाधान तो सेक्शन 84 से ही होगा ना, रूल 84 से। और ये अपने रिप्लाई में भी ये लिख रहे हैं, रूल 84 के बारे में तो ये कुछ कहते ही नहीं है। आप रिप्लाई देखें स्टेट का, तो दे आर एडमिटिंग इन पैरा 3 हार्ड ट्रूथ है, यू लॉस्ट द इलेक्शन, एक्सेप्ट इट। नहीं सर, वो यू शुड एक्सेप्ट इट, यू लॉस्ट। मेरा तो यही है सर कि मैं इनको जिता दिया रिकाउंटिंग के हिसाब से, बाकी वो अगर वो 121 ही उसको ठीक कर रहे थे तो मैं ही जीत रहा, मैं ही जीता था। इतने 29 वोट कहां चले गए? टोटल वाज 407। ये प्रतिक्षेपित मतलब क्या मतलब है, क्या है रिजेक्टेड वाले? ये खारिज मतों की कुछ संख्या। आपको रिकाउंटिंग में कल इतना ही देखना था कि एक्सचेंज हुए कि नहीं, आपने तो उसके राकेश के तो उतने ही रखे 93, इनके कम कर दिए। नहीं, हमारे तो ऐसे ले कम कर दिए कि हमारे रिजेक्ट ही कर दिए कहीं। हाँ, इनके रिजेक्ट कर, रिजेक्ट थोड़ी देखना था, काउंटिंग देखना था। अब अगर ये रिजेक्ट, वो इसीलिए मैंने एप्लीकेशन दी सर कि ये बात का भी है, केवल इतना देखना था कि जो इंटरचेंज किए हैं वो सही है कि नहीं। वोट रिजेक्ट करने को थोड़ी बोला था आपने, तो रिजेक्ट करके उनको जिता दिया, ये तो गलत है भाई। रिकाउंटिंग केवल ये देखना था कि 93 मिले कि 122 मिले, रिजेक्ट थोड़ी करना था। तो आपने क्या किया इसमें, रिजेक्ट करके इनको रिजेक्ट करके कम कर दिए वोट राकेश के तो उतने ही रखे। अगर राकेश के 122 आते तो समझ में आता कि नहीं मिस्टेक थी। टोटल काउंटिंग किया उन्होंने? नहीं नहीं, टोटल नहीं, तो रिजेक्शन ज्यादा दिखा दिया, 72 दिखा दिया रिजेक्शन।